सोलन के कुशौली में ऋषिपाल नामक एक व्यक्ति खाद्य उद्योग में कार्यरत है, जिसके पास उसकी पत्नी के गांव का व्यक्ति अजय अक्सर आया जाया करता था। ये व्यक्ति तांत्रिक भी बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने ऋषिपाल को नशीली चीज खिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और यहां से शव को हरियाणा में अपने गांव ले जाकर करीबन 15 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया था। सोलन पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही थी और उसे अजय पर शक हुआ था, तो पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और अजय को गिरफ्तार कर उसे सारी बात उगलवाई। और जब उससे हकीकत बयान हुई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसने खुलासा किया कि उसने ऋषिपाल को मारकर अपने गांव में दफन कर दिया है। पुलिस अजय को लेकर उसके गांव हरियाणा रवाना हुई है और उसकी निशानदेही कर उससे उसके घर से 15 फीट खुदाई कर ऋषिपाल के शव को बरामद किया गया है। फिलहाल हिमाचल पुलिस SHO ललित मोहन की अध्यक्षता में शव को लेकर सोलन पहुंची है और उसका सोलन जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मृतक के रिश्तेदार ने शक जाहिर करते हुए कहा कि मृतक कसौली में खादी ग्रामो उद्योग में कार्यरत था। उन्हें शक है कि अजय ने प्रेम प्रसंग के चलते ऋषिपाल की हत्या की है और वह तांत्रिक का काम भी किया करता था। अजय उसकी पत्नी के गांव का ही युवक था, जो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। उन्होंने ये भी बताया कि अजय ने ऋषिपाल को दूध में और रात्रि भोजन में खाने में नशीली दवा मिलाकर दी थी, जिसकी वजह से वह अचेत हो गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसे अपने घर में 15 फुट के गहरे खड्डे में दफना दिया था। मृतक ऋषिपाल अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गया। तीनों बच्चे ही इस दिल दहला देने वाली घटना से सदके में हैं, जिन्हें अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। ये मेरे रिश्तेदार मेरे साले डिंडू खेड़ा UP तहसील कराना जिला शामली के रहने वाले थे और यहाँ कसौली के अंदर ये जॉब करते थे खाद्य ग्राम उद्योग भंडार में। इसका 17 तारीख को अपहरण हो गया। आशंका जताई गई कि वो गुम हो गया, यानी कुल्लू में घूमने के लिए गया, घर वाले बोले। उसने अपने भाई को इसके बारे में खुलासा बताया जा रहा, अपनी लेडीज का और उसका मर्डर करने वाला अपहरण करता। उसने उसके बाद में आने उसके भाई ने कार्रवाई करी, पुलिस के साथ कार्रवाई करने के बाद वो परसों पकड़ा गया और उसने कबूल कर लिया पुलिस को, अब ये बंदा मैंने मारा और अपने घर अपने गांव में ले जाकर 15 फुट नीचे गहरे गड्ढे में दबा रखा था। कल प्रशासन द्वारा गांव के द्वारा सभी के सहयोग से उस बंदे को निकाल लिया गया 15 फुट नीचे से। शामिल तो अभी तो 2 ही हैं जी, अपहरणकर्ता और जो मरा उसके घरवाले।